Hope so that you are just feeling better. Fine. And a very warm morning to all of you. Fine. And again, we just welcome you all at Target IS online classes. And in the sequence of practice, the problem on tense, we have the practice set third. As we completed the practice set 1 and 2. Now today we have the practice set 3. So हमारे पास आज कौन सा practice set है? हमारे पास आज practice set है इसमें 3 है. Fine. अब आज इस practice set में अपन करेंगे क्या? Basically जो अपना ये practice set 3 है, तो it will be based on since, for. किसमें होगा based? Since for में based होगा. ठीक है? Since for में based होगा. It means that today we study only these two concepts. In earlier class, we just completed for since and for. But now the question it arises that we haven't practiced. So that's why today we are here with the number of question on the base on since and for. Okay? So let's we start today's class. With lots of happiness and with lots of hopes from your side. So, now we are just going to write something about the since and for. Okay? So, very first what actually we are just going to do. That we must know first, sir, since kya hai aur ye for kya hai. Okay? So, since kya hai aur for kya hai. So, isse since aur for ka meaning to aap sabhi jante ho. एक बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा और बहुत स्लोली. ठीक है? सिंस क्या है? सिंस को मैंने आपको बताया कि सिंस आपको भी पता है कि सर एक्चुअली दिस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है? ध्यान दीजिएगा किसके लिए यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है. नाउ वी हैव द सेम कॉन्सेप्ट ऑल्सो विद द फॉर. But it is little bit change. जो for होता है, this is for the period of time. किसके लिए होता है ये? Period of time. ठीक है? किसके लिए होता है? Period of time. Okay, fine. So देखो, आज है क्या? कि जो ये since और for है ना, थोड़ा इसको बहुत ही depth में समझने की कोशिश करना और just pay your attention. क्योंकि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े सिंस फॉर क्या होता है. क्योंकि आज की क्लास जैसे खत्म हो तो जब कभी भी आप यदि आते हो क्वेश्चन जो जिसमें सिंस फॉर का यूज किया गया है तो उसको आप कर पाओ वहां पे. तो अभी देखो एक एक वर्ड का मीनिंग बताते हैं. अभी देखो यहाँ पे ये ऑफ टाइम हो गया और यहां पर भी ऑफ टाइम लिखा हुआ है. बोलो हाँ या ना? लिखा हुआ है. चलो वेरी गुड. अब ये ऑफ टाइम और ये ऑफ टाइम, तो दोनों में देखो ये तो कॉमन है. तो यानी कहने का मतलब वी कैन जस्ट कॉल टू दिस कॉन्सेप्ट कि सर सिंस फॉर का यूज बेसिकली किसके लिए होता है? सर टाइम के लिए होता है. किसके लिए होता है? टाइम के लिए होता है. बोलो हाँ या ना? सिंस फॉर का यूज हम लोग टाइम के लिए यूज करते हैं. ठीक है? अब सर बात आती है कि सर एक तरफ लिखा हुआ है पीरियड और दूसरे तरफ लिखा हुआ है पॉइंट. अब इसमें इसका मीनिंग क्या होता है कि पीरियड क्या होता है और पॉइंट में क्या होगा? तो देखो पॉइंट का मतलब क्या है कि पॉइंट जब कोई आप वर्ड भी यूज करते हो यदि पॉइंट जैसे कोई बोलता है तो आपको क्या होता है कि एक माइंड में आपके पिक्चर क्रिएट होता है कि सर पॉइंट मतलब क्या कि सर एक छोटा सा एरिया होगा और जो कैसा होगा? डेफिनेट होगा. कैसा होगा? बोलो कैसा होगा? डेफिनेट होगा कि नहीं होगा? और पीरियड, पीरियड मतलब सर ये क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम मतलब सर हम लोग वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम वेयर वी आर नॉट सर्टेन. जहां पर अपन क्या है? सर्टेन नहीं है. तो यानी पीरियड में आप यदि देखोगे तो पीरियड का मतलब हो जाएगा आपका इनडेफिनिट टाइम. क्या हो जाएगा? Indefinite time. अब मैं आपको इसी point of time और period of time को यदि मैं थोड़ा सा इसको convert करता हूँ definite और indefinite में. ठीक है? यदि मैं definite और indefinite में करता हूँ इसको मैं,
तो आप इसको समझ पाओगे, आपको अपने वर्ड्स में क्या बोलना है कि सर ये जो डेफिनेट टाइम है ना, ये सर जो डेफिनेट टाइम है, और सर ये क्या है इनडेफिनेट टाइम है। कोई आपसे पूछता भी है तो आपको क्या बताना है कि सर जो सिंस का यूज होता है वो सर यूज होता है डेफिनेट टाइम के लिए, और सर जो फॉर का यूज होता है सर वो इनडेफिनेट टाइम के लिए होता है, एंड यू आर नॉट सपोज टू बी जस्ट फियर्ड, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूं आपको सारी चीजें। ये तो पहला कॉन्सेप्ट है आपको सिंस फॉर बताने का। तो सिंस का यूज होगा डेफिनेट टाइम के साथ और फॉर का यूज होगा इनडेफिनेट टाइम के साथ, ठीक है। अब यदि फॉर एग्जांपल यदि हम लोग सिंस और फॉर की बात करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे यदि अपन देखते हैं इसको, तो आप ही बताना कि सर ये सर जो आप सिंस फॉर आप बता रहे हो ना, तो सर ये एक्चुअली है क्या, सर डेफिनेट टाइम क्या होता है। अब आप बताना, जैसे मैंने यहां पे यदि लिख दिया 2 days 5 days अप्रैल मई एंड 2004, ठीक है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 2 days लिखा है, 5 days लिखा है, अप्रैल लिखा हुआ है, मई लिखा है, 2004 लिखा है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि आप खुद ही बताओ, यू हैव टू जस्ट क्लासीफाई बिटवीन दीज 3-5 names, आपको इन 5 name के बीच में क्या करना है, आपको क्लासीफाई करना है इसको। अब क्लासीफाई करोगे तो आपको क्या बताओ डेफिनेट टाइम क्या लगता है, ये डेफिनेट टाइम लगता है क्या आपका, नहीं सर नहीं लगता सर, ये इनडेफिनिट हो गया आपका, ये भी इनडेफिनिट है सर, डेफिनिट तो ये तीनों है ना, क्योंकि अब देखो ना डेफिनिट मतलब समझ रहे हो ना, ये डेफिनिट टाइम है आपका, तो आपको कैसे पढ़ना है इसको डेफिनिट और इनडेफिनिट। मैंने जब इसको मैं पढ़ा रहा था एक्चुअली व्हेन वी वर जस्ट स्टडीइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सो ऑन दैट टाइम वी वर एक्चुअली यूजिंग नेम एंड नंबर, तो उसको भी आप अपने माइंड में रखो कि कैसे उसका यूज करते हैं कैसा नहीं करते हैं, ठीक है, जो वो वाला कॉन्सेप्ट बताया था, और इसको भी रखना है आपको। तो डेफिनेट टाइम के पहले किसका, सिंस का, और इनडेफिनेट टाइम के पहले किसका यूज होगा, फॉर का यूज होगा, बोलो हाँ या ना, यस, वेरी गुड। अब देखो, और यदि आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको और भी इसको मैं क्लिस्ट यदि करता हूं तो थोड़ा सा आप देख लेना कि सर सिंस और फॉर, तो देखो सिंस और फॉर को दूसरे तरीके से यदि मैं आपको बताऊं तो सिंस का यूज कैसे, देखो इनका दोनों का यूज कब होता है, टाइम के पहले होता है कि नहीं होता, बोलो टाइम के पहले होता है कि नहीं होता, जब टाइम के पहले इनका यूज होता है तो मैं आपसे पूछूं या तो टाइम का नंबर दिया होगा या टाइम का नेम दिया होगा, कोई टाइम यदि दिया होगा या तो सर नंबर में दिया होगा या तो नेम में दिया होगा, एंड नाउ दिस इज योर ड्यूटी टू फाइंड आउट कि सर टाइम किस वे में लिखा हुआ है, एक्चुअली ये किस मैनर में लिखा गया है, नंबर में लिखा गया है या नेम में लिखा गया है। तो जब ये नंबर नेम आप बताओगे तो उसमें से क्लियर होगा कि सर नंबर रहेगा तो फॉर का यूज करोगे, यदि नेम दिया रहेगा तो सिंस का यूज करोगे। व्हाट आई मीन टू से, व्हाट आई जस्ट सेड एंड व्हाट आई जस्ट टॉट यू कि सर यदि टाइम के पहले नंबर दिया हुआ है, यदि या टाइम आपका नंबर में एक्सप्रेस किया गया है तो किसका यूज करोगे, आप फॉर का करोगे, और यदि टाइम का एक्सप्रेशन किसमें है, नेम में है, तो यू आर सपोज टू यूज सिंस, ठीक है, सिंस का यूज करोगे आप। चलो वेरी गुड, समझ में आया होगा आपको, क्योंकि देखो अदरवाइज टुडे वी आर फॉर द प्रैक्टिस नॉट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक, फाइन, बट थोड़ा सा नहीं लगता ना कि सिंस फॉर में यदि मैं बोलूँ 2-4 बच्चे बता ही दो आप और लोग को समझ में नहीं आए तो फिर क्या क्लास का यूटिलाइजेशन क्या होगा वहाँ पे, ठीक है। सो नाउ लेट्स बी प्रैक्टिस, फाइन। तो पहला क्वेश्चन अपना आता है, मैंने यदि यहाँ पे लिखा आई हैव बीन टीचिंग इन अ कोचिंग क्लास डैश डैश 2 months, ठीक है, पहला क्वेश्चन हुआ आपका, ठीक है। अब हम देखो ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि यहां पे थोड़ा सा आज आपको एक कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। Now today you have to just make a single compromise with me actually. आपको पता है कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस को लिखने में क्या सर एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, फाइन। तो अपने पास सेंटेंस ये कॉमन रहेगा,
आई हैव बीन टीचिंग इन अ कोचिंग क्लास। हम लोग यहाँ पे चेंज कर कर देखते जाएंगे, ठीक है। अब आप ये बताना यहाँ पे क्या लिखा है, इसको तो सब छोड़ो आप। आई हैव बीन टीचिंग इन अ कोचिंग क्लास सर, नो इशू, सेंटेंस इज कंप्लीटली करेक्ट, फाइन, से यस और नो, डेफिनेटली। बट नो सर, क्वेश्चन अराइजेस कि सर यहाँ पे कैसे पहचानेंगे कि सर ये टाइम नंबर का है कि नेम का है। अब आप ये बताना कि जो मंथ्स लिखा है, सो मंथ्स इज इक्वल टू टाइम, मंथ्स किसके इक्वल टू होगा आपका, इट इज इक्वल टू द टाइम। एंड नाउ व्हाट एक्चुअली हियर हैज जस्ट यूज्ड, टाइम के पहले किसका यूज किया गया है, टाइम के पहले तो नंबर का यूज किया गया है, ठीक है, टाइम के पहले नंबर का यूज किया गया है। और इसी को क्या बोल सकते हो, टाइम के पहले नंबर का यूज किया गया है। कोई पूछे और इसे क्या कह सकते हैं, सर इंडेफिनिट टाइम का यूज किया गया है। और कोई बोले इसे और क्या कह सकते हैं, सर पीरियड ऑफ टाइम का यूज किया गया है। तो देखो तीन तीन वर्ड हैं आपके पास एक्सप्रेस करने के लिए, फाइन। यू आर नॉट अ सिंगल, यू डोंट हैव अ सिंगल वर्ड दैट यू आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्रेस। आप से यदि कोई पूछता है तो आप कैसे बताओगे कि सर एक तो पहली बात तो क्या टाइम के पहले नंबर दिया हुआ है, पहला कॉन्सेप्ट हुआ, और टाइम इनडेफिनिट है, और टाइम कैसा है सर, पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है। तो अब आप ये बताओ कि बहुत क्लियर यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंस और फॉर, अब आप ये बताओ इसमें से लगेगा क्या। मैंने बताया था कि इंडेफिनिट टाइम होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा, और क्या होगा आपका, नंबर दिया होगा यदि टाइम के पहले, तो इन तीनों का मतलब ही क्या होता है कि सर फॉर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, फॉर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बोलो यस और नो, लगेगा कि नहीं लगेगा, फॉर लगेगा ना, फॉर, ठीक, अच्छा, वेरी गुड। अभी हम क्या करते हैं, आप इसको लिखना फिर से, अब इसको हम यदि इरेज करते हैं और अभी भी क्या करते हैं, अपन भी टाइम चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे भी टू मंथ्स लिखा हुआ था, ठीक है, टू मंथ्स लिखा हुआ था, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मार्च लिख दिए, सपोज दैट, यदि हमने यहाँ पे मार्च लिख दिया, अब आप ये बताइए इसे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि देखो प्रॉब्लम मस्ट बी बेस्ड ऑन योर डे टू डे लाइफ एक्टिविटी और सोसाइटी प्रॉब्लम, क्योंकि बुक की प्रॉब्लम में दिया प्रॉब्लम बेस्ड है, और यदि इसको आप क्या कर रहे हो, यदि अपने आप उसको कॉमन लाइफ से, डे टू डे लाइफ से यदि आप उसको इंटरकनेक्ट नहीं करा पा रहे हो तो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, ऐसी शिक्षा किसी कार्य की नहीं है, क्योंकि हियर वी आर नॉट ओनली जस्ट मोटिव टू क्रैक द एग्जाम, है ना, दिस इज एक्चुअली सेकेंडरी स्टेप, वी विल क्रैक द एग्जाम, बट we have the situation first to that one that we must understand the things in a very easy manner, ठीक है। तो देखो कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा, I have been teaching in a coaching class, dash dash लिखा है, मार्च लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आप इसको क्या बताओ, ये बताओ ये टाइम का नेम है कि नंबर है, ये सर टाइम का नेम है, चलो वेरी गुड, और सर डेफिनेट टाइम है, बोलो यस और नो, और सर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, पॉइंट ऑफ टाइम की। अब देखो एक ही के लिए मैंने तीन नाम आपको बताए और अब तीन नाम आप भी जान रहे हो वहां पे, तो अब यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप यू आर सपोज टू यूज सिंस, यस या नो, है ना, सिंस तो यूज करोगे ही ना, क्यों और उसमें फॉर लगाओगे आप। इफ एनी वन हैव अ प्रॉब्लम वाइल अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, सो You can write in the comment box. I am here to answer you, but you do not have to be just worried. और मेरी सभी से क्या है ना, एक polite request आप सभी से, यार देखो कम से कम जितने लोग भी पढ़ रहे हो अपना, तो you must know each and every concept. And the single concept will not be just considered as a difficult for you. क्योंकि आप अपना time दे रहे हो, ठीक है, time दे रहे हो, so we are also just going to be master actually in this section, ठीक है, धीरे धीरे देखो बहुत सारे changes आने वाले हैं वहां पे, ठीक, ऐसी कोई बात नहीं, clear, और ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, हम कुछ नहीं जानते, बस हम ये जानते हैं कि हमारे dear students कैसे हैं और इनको क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो देखिए ये मार्च है तो यहां पे किसका यूज करोगे आप, सिंस का करोगे कि नहीं, बोलो हाँ या ना, सिंस का यूज होगा, ऑब्वियस सिंस का यूज होगा। चलो अब आपके ही लिए सेंटेंस नंबर थर्ड,
सेंटेंस नंबर थर्ड में हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को अपन इरेज करेंगे यहां से और फिर से अपन इधर पे लिखेंगे नया नेम, लिखेंगे वहां पे टाइम का न्यू नेम। नाउ न्यू नेम में अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, सपोज दैट मैंने यदि यहां पे लिख दिया 2 years, क्या लिख दिया मैंने 2 years, ठीक है। अब आप ये बताओ इस 2 years के पहले क्या, पहले तो पता करो आप व्हाट टाइप ऑफ टाइम इज दिस, ये टाइम कैसा है, इज इट इनडेफिनिट टाइम, यस सर, इज इट पीरियड ऑफ टाइम, ऑब्वियस सर, एंड इट इज नंबर एक्सप्रेसिंग टाइम, एक्सप्रेशन कैसा है इसका, नंबर का है ना, तो बताओ किसका यूज होगा वहां पे। तो आपको भी पता है कि बार बार बोल रहा हूं, 3 conditions आपको देखनी है, आपको क्या क्या देखना वहां पे, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन नंबर, इनडेफिनिट एंड पीरियड। यदि ये 3 चीजें दिख रही हैं आपको तो आपको क्या यूज करना है, फॉर का यूज करना है कि नहीं करना है। सो वेरी गुड, फॉर का यूज होगा, ठीक है, चलिए ये फॉर का यूज अपन यहां पर कर देते हैं, गुड नाइस। अभी देखो यहां पे यदि 2 years लिखा है तो किसका होगा, फॉर का यूज हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, होगा। अभी यहीं पे बताना, यदि मैं years की जगह लिख देता 2004 तो अब क्या करते आप, अब आप ये बताओ यदि मैंने लिख दिया 2004 देन व्हाट एक्चुअली यू विल डू, क्या करोगे आप, सपोज दैट आई हैव रिटन 2004, अभी आप क्या करोगे, देखो नंबर तो है यहां पर भी ना, क्योंकि यदि यहां पे मैंने ये लिखा 2 years लिख दिया मैंने तो नंबर तो लिखा है ना, यहां पर भी तो नंबर लिखा है, तो क्या बोलोगे इसको, नहीं सर यहां पे थोड़ा सा चेंज है सर, यहां पे देखिए ना सर नाउन दिया गया है, दिया गया ना नाउन, और सर यहां पे जो ये दिया गया एडजेक्टिव है, लेकिन सर ये क्या है, सर कंप्लीटली इट इज अ नाउन, 2004 इज अ नाउन कि नहीं है कि नहीं, हाँ। तो ध्यान देना कि नंबर में भले लिखा है लेकिन ये क्या बता रहा है आपको, सर डेफिनेट टाइम बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है आपका, और क्या बता रहा है सर, नेम बता रहा है, तो किसका यूज होगा, इस फॉर का यूज नहीं होगा यहाँ पे, किसका यूज होने वाला है यहाँ पे यूज होगा सिंस का, किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा, फाइन। तो उस चीज को आप क्लियर करो, ठीक है, यदि 2004 आ गया तो किसका यूज करोगे भाई, ईयर का यदि नेम आ रहा है, यदि आपका ईयर का यदि नेम आ रहा है देन व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू राइट सिंस और फॉर, सर सिंस लिखेंगे ना यहाँ पे, क्या लिखेंगे, सिंस का यूज करेंगे अपन, किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, वेरी गुड। अभी आप ये बताना, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द नेम ऑफ एनी फेस्टिवल, फाइन। अभी मैं किसी यदि फेस्टिवल का नाम लिखता हूँ, सो व्हाट यू हैव टू जस्ट राइट, आप भी बताइएगा, ठीक है, क्या लिखना है, You're supposed to write what? चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे दिवाली, इधर पे I have written दिवाली, now you just tell me, since या for, देखो structure तो वही रहेगा यार, देखो sentence में क्या है, आप I के साथ have लगाओगे, यदि he होता तो has लग जाता, ये तो आपके पुराने concept है ना, इनको पढ़ रखे हो और बार बार नहीं बोलते हैं, actually the repetition of the simple concept is completely down to the standard. फाइन, और आप लोग इतना पढ़ चुके हो, इतना पढ़ चुके हो आप लोग, इतना तो आपसे बनता होगा सर, आई हैव बीन के बाद अपन क्या करते हैं, सिंस फॉर का पता नहीं किसका, सॉरी आईएनजी फॉर्म का आप यूज करते हो, फाइन। तो एक्चुअली दिस इज फाइन, ठीक है, ये हुआ अपना। अब इसके बाद क्या है, दिवाली लिखा है तो दिवाली के पहले किसका यूज करोगे आप, बोलो सिंस या फॉर, तो सर सिंस का यूज होगा, व्हाई, व्हाई हियर, सिंस सिंस इज टू बी यूज, क्यों यहाँ पे सिंस होगा, क्यों, यदि वाई कर दे और वाई का यदि आप आंसर बता ले जाओ तो मैं जान जाऊं वहां पे, यस बताइए कि सिंस का यहाँ पे यूज क्यों होगा, आई जस्ट वॉन्ट फ्रॉम योर साइड यू जस्ट आंसर, और यू कैन जस्ट गिव योर आंसर वाइल राइटिंग इन द कॉमेंट बॉक्स, फाइन। आप बताओ कि यहाँ पे सिंस का यूज क्यों होगा, बताइए सिंस का यूज यहाँ पे क्यों होगा, चलिए जल्दी बताइए, बताइए, यस, ठीक है, चलिए वेरी गुड। हाँ, इसलिए यहां पे किसका यूज होगा, सिंस का यूज अपन यहां पे करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि सर यहां पे कैसा, सर टाइम डेफिनेट दिया गया है, पॉइंट दिया गया है, और सर क्या, ये भी तो कहीं ना कहीं क्या दिया गया है आपका, एक आपका
नेम ही तो दिया गया, और क्या दिया गया वहां पे? तो ये सिंस का हो गया, ठीक है, ये सिंस का यूज हो गया आपका। चलो वेरी गुड, ठीक है, गुड। और अब यदि यहीं पे मैं करता हूं, ठीक है, ध्यान देना आप, ओके। यदि मैं यहां पे क्या लिख दूं, यहां पे यदि मैं लिखते हैं टू वीक्स, क्या लिखता हूं मैं, टू वीक्स, तो टू वीक्स लिखा है, तो क्या लिखोगे यहां पे, सिंस या फॉर, आप बताइए, सिंस या फॉर। सो सर यहां पे यूज होगा किसका, सिंस या फॉर, तो यहां पे यूज होगा कौन सा, फॉर होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर टू लिखा है, वीक्स के पहले लिखा हुआ है यहां पे। बट यहीं पे यदि मैं नेम ऑफ द डेज लिख देता हूं तो फिर आप क्या करोगे, यदि मैंने नेम ऑफ द डेज लिख दिया, अब नेम ऑफ द डेज यदि मैं यहां पे लिखता हूं, इफ आई राइट हियर द नेम ऑफ डेज, यदि मैंने यहां पे लिख दिया मंडे, तो अभी आप क्या, यू आर सपोज टू राइट फॉर हियर, यू आर सपोज टू राइट फॉर, नो, देन व्हाट यू आर सपोज टू राइट, दिस विल बी इनकरेक्ट, एंड करेक्ट विल बी सिंस, एक्चुअली सिंस आपका सही होगा, ठीक है, क्या होगा, सिंस सही होगा आपका, ठीक है। चलो वेरी गुड, तो समझ में आया आपको क्या, कि व्हाट आई जस्ट मीन टू टीच, मेरे पढ़ाने का क्या मतलब, समझ में आया आपको, चलो वेरी गुड, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ चलो, अब आज थोड़ा सा हम लोग एक चीज देखते हैं, ये तो हुआ, अब थोड़ा सा 5 मिनट की क्लास अपन और इसको करेंगे, और ये क्लास में थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि सिंस फॉर का तो आप यूज कर ले जाओगे ना, और डरना नहीं है। देखो, या तो देखो ऐसे लिखा रहेगा, टू डेज लिखा रहेगा, या तो लिख दिया कहीं पे अ फ्यू डेज, तो अब यहां पे क्या लिखोगे आप बताना, अ फ्यू डेज लिखा है, सम डेज लिखा हुआ है, ठीक है, और आपका यदि लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ भी, मान लो कि समथिंग लाइक दिस, की कुछ भी वहां पे लिखा हुआ है, तो हियर वॉट यू आर जस्ट सपोज टू राइट, क्या लिखना है आपको, तो बता ना सर, फ्यू डेज लिखा हुआ है, तो फ्यू डेज मतलब क्या सर, फॉर सम मतलब भी क्या, फॉर क्योंकि सब ये इंडेफिनिट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जब आप इसको प्रॉपर पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ोगे तो क्या होगा, उसमें सभी आपके इंडेफिनिट में आते हैं, किसमें आएंगे, इंडेफिनिट में आएंगे, देयर यू मस्ट नो, ठीक है। तो देखो सम में मतलब भी क्या है, क्लियर नहीं है ना, ठीक है, अब यहां पे क्या, फ्यू लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन एक चीज बताना, आप मेरे को बताना, एक सेंटेंस बोल रहा हूं उसको पहले राइट करो, लिखो आई हैव बीन टीचिंग इन अ कोचिंग क्लास ऑल डे, लिखो आई हैव बीन, लिखिए आई हैव बीन टीचिंग इन अ कोचिंग क्लास डैश ऑल डे या ऑल डेज, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, सिंस लगेगा या फॉर लगेगा या सर कुछ भी नहीं लगेगा, सोच के बताइए, देखिए केवल सोच सोच का फर्क है यहां पे, यदि आप ये समझ ले जाओगे तो सोच सोच का फर्क है, वो आपने पढ़ा होगा रीजनिंग में, सिलॉन्स पढ़ा है तो वहीं से कुछ चीज का मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आएगा आपका, अब उसको आप पहले बताओ, लेकिन मैं इसका आंसर आज तो नहीं बताने वाला आपको, आई एम जस्ट रीडिंग योर कॉमेंट्स, ठीक है, मैं आपकी कॉमेंट्स को रीड कर रहा हूं, इफ यू आर एबल टू गिव द आंसर और प्रेजेंट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन देन यू आर मोस्ट वेलकम, आप सभी का स्वागत है, और आप इसका आंसर करिए, आई जस्ट वॉन्ट दैट, यू हैव 3 ऑप्शन, 1, 2 एंड 3, फर्स्ट ऑप्शन इज सिंस, सेकेंड इज फॉर, थर्ड इज नथिंग, सर कुछ नहीं लगने वाला उसमें, ठीक है, तो आपको बताना है वहां पे, क्लियर, ये आप बताओगे, ठीक है। चलो फिर अभी आप मेरे को ये बताओ कि हम लोग फ्रॉम का यूज क्यों नहीं करते, ओनली वाई वी जस्ट यूज सिंस एंड फॉर, भाई सिंस मतलब क्या होता है, 2 बजे से यदि हिंदी में आते हैं सेंटेंस, इसको आप आंसर करिए, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा मैं सिंस फॉर वर्सेस फ्रॉम, ठीक है, इसका भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। इधर पे मैंने लिख दिया, ये हो गया सिंस फॉर, ठीक है, और यहां पे ये हो गया आपका वर्सेस क्या, फ्रॉम। अब देखो यदि आप टाइम में आते हो पढ़ते हो तो देखो कहीं कहीं पे क्या होता है,
इसका मतलब, और इन दोनों का मतलब यहां पे तो कितना है, किससे आ रहा है, इससे से आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इसका भी मीनिंग क्या होता है, इससे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो, ठीक है। नाउ व्हाट एक्चुअली एंड व्हाई एक्चुअली आई जस्ट वांट टू जस्ट एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, सिंस का मतलब भी से और फॉर का मतलब भी से और सर फ्रॉम का मतलब भी से, देन सर व्हाई देयर इज सो मच ऑफ द डिफिकल्टीज एंड व्हाई देयर इज सो मच ऑफ द दिस मिसकॉन्सेप्ट, व्हाई, आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि सर सिंस फॉर्म का मतलब भी से होता है, फॉर्म का मतलब भी से होता है, तो आप ये बताइए कि कैसे, और यहां पर ऐसा क्यों, ऐसा वाई इट इज हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ध्यान देना कि जो ये फॉर्म होता है ना, ये फॉर्म, फॉर्म का यूज होता है टू के साथ, किसका होता है, टू के साथ होता है, ठीक है, किसके साथ होता है, टू के साथ होता है फ्रॉम का यूज, और जब फ्रॉम का यूज टू के साथ होगा, ठीक है, फ्रॉम का यूज किसके साथ होगा, टू के साथ होगा, यानी फ्रॉम डेस्टिनेशन टू सोर्स, यानी यदि ये डेस्टिनेशन है तो ये सोर्स रहेगा, ध्यान देना। सर ये प्लेस को बताने के लिए यूज करते हैं, किसको बताने के लिए, सर प्लेस यानी किसको, स्थान को बताने के लिए अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है, किसको बताने के लिए यूज करते हैं अपन, स्थान को बताने के लिए यूज करते हैं, फाइन, लेकिन सिंस और फॉर का सर इनको टाइम को बताने के लिए यूज किया जाता है, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, दैट्स व्हाई, फाइन, ओके, सो होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इसका, एंड वी जस्ट वॉन्ट दैट कि अब ये सब कुछ सीरीज आपका सही है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा हमको लिख के बताइए कि मैं एक आगे का वीडियो आफ्टर और बिफोर का बनाऊं प्रैक्टिस करने के लिए, या हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आप बताइएगा, ठीक है ना, और वी जस्ट मेक अ वीडियो फॉर द बिफोर एंड आफ्टर, और वी जस्ट कम टूवर्ड्स अ न्यू टॉपिक, आप बताइए क्या करना है, ठीक है, ध्यान, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे, और अभी के अभी आप इसको आंसर करें, आफ्टर और बिफोर की थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करा दूं क्या, सही रहेगा, या सर नहीं कराऊं, कोई एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, न्यू टॉपिक में पढ़ेंगे इस बार, अच्छी चीज, बताइए जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में राइट करिए, ठीक है, सो थैंक यू क्लास एंड हैव अ चीयरफुल डे।